नमस्कार बच्चों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपके प्राचीन भारत का इतिहास जो है उसको जानने के साधनों पर आधारित है कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के साधन कौन कौन से हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्राचीन भारत के इतिहास जानने के पुरातात्विक साधन बताए थे। इस वीडियो में मैं आपको प्राचीन भारत के इतिहास जानने के धर्म ग्रंथों के विषय में चर्चा करूँगी। देखिए बच्चों, कभी भी हम चाहे प्राचीन भारत का इतिहास हो, चाहे आधुनिक भारत का इतिहास हो, चाहे राजस्थान का इतिहास हो, बिना सोर्स के हम उसको पढ़ ही नहीं सकते हैं। जब तक हमें पता ना पड़े कि इसका सोर्स क्या है, माध्यम क्या है, उसके द्वारा ही हम इतिहास को जान सकते हैं। आज जो हम सोर्स देखेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जिनमें सबसे पहला जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण सोर्स है, वो है भारतीय धर्म ग्रंथ। अब ये है कि भारत जो है वो अति प्राचीन काल से ही धर्म प्रधान देश रहा है। जीवन के सर्वांगीण विकास में सहायक समस्त साधनों का सामूहिक नाम ही धर्म था। धर्म के द्वारा ही जीवन संचालित हुआ करता था। ये एक प्रकार की जीवन प्रणाली होती थी जिसके द्वारा मानव का जीवन नियंत्रित और संचालित होता था। तो एक तरह से धर्म का ये एक सर्वव्यापक महत्व था। अब प्राचीन काल में भारत में ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, इन तीन धर्मों की प्रधानता थी। तो हम इनके जो धर्म ग्रंथ हैं उनको हम इतिहास के साधनों के रूप में ले सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है, ग्रंथ जो हैं, वो इतिहास जानने के सहायक किस प्रकार से हो सकते हैं। इनमें हम सबसे पहले हम ब्राह्मण धर्म ग्रंथ को लेंगे कि ब्राह्मण धर्म ग्रंथ किस प्रकार से प्राचीन भारत का इतिहास जानने के साधन है। उनमें सबसे पहला साधन है वेद। वेद क्या होता है? वेद का शाब्दिक अर्थ होता है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज, वो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है। और वेद कितने होते हैं? वेद चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें जो ऋग्वेद है वो सबसे अधिक प्राचीन है। इससे हमें आर्यों के आगमन की सारी जानकारी मिल जाती है। आर्य सभ्यता के दो काल थे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वेद है वो बहुत हद तक हमें वैदिक काल की जानकारी दे देता है। और उसके जो बाद के वेद हैं उनमें भी क्या होता है, उनमें भी जो शेष चीज़ें हैं जैसे सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति का हमें जादू टोने, तंत्र मंत्र और जो भी भजन मंगल गीत वगैरह जो कुछ भी हुआ करते थे, टोटका और सब विषयों की जानकारी हमें इससे प्राप्त हो जाती है। वैदिक संहिताओं में वे मंत्र और सूक्त जो हैं वो संग्रहित हैं जिनका निर्माण प्राचीन आर्य में ऋषियों ने किया था। अब इसके बाद में, वेदों के बाद में दूसरा जो धर्म ग्रंथ है वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है ये वेदों पर ही आधारित है। वेदों के पृथक पृथक ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जितने भी वेद हैं इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ पृथक पृथक हैं। और समय के साथ साथ आप देखिए आर्यों में यज्ञ और कर्म कांडों में वृद्धि होती गई और इनका विधान और भी अधिक जटिल होता गया और इन्हें बौद्धगम्य और रहस्य उद्घाटन और दार्शनिकता का पुट लाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना। अच्छा, अब इसके बाद में आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक जो है वो ग्रंथों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये ग्रंथ वनों की एकांतता में, ये कहाँ पढ़ जाते थे? वनों की एकांतता में पढ़ जाते थे। इनमें चिंतनशील ज्ञान पक्ष पर जोर दिया गया है। अब इसके बाद में है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है निकट, नी का अर्थ होता है नियम पूर्वक, शत का अर्थ होता है बैठना, अर्थात गुरु के समीप श्रद्धापूर्वक बैठ करके विद्या अध्ययन करना। उपनिषद 108 हैं जिनमें प्रमुख खास है ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। इसके बाद में है वेदांग। वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। अब इसके बाद है सूत्र ग्रंथ।
सूत्र ग्रंथों का कर्म कांड से संबंध होने के कारण ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथों से इनका सीधा संबंध है। इसके बाद में है स्मृति साहित्य। स्मृति किसको बोलते हैं, जो मेमोरीज होती हैं, यादें जो होती हैं, उनसे हमें स्मृतियों में है, आप देखिए मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पाराशर स्मृति प्रधान है। अब इसके बाद में है महाकाव्य। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में भारत के दो प्राचीन महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, जिससे हमें रामायण महाभारत ग्रंथों की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में है पुराण। पुराणों की संख्या 18। इन ग्रंथों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री जो है वो हमें प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में है बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म ग्रंथों में पिटक हैं, तीन पिटक हैं, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। उसी प्रकार से जातक ग्रंथ हैं। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसके बाद में है अन्य पाली ग्रंथ हैं। इनमें तीन ग्रंथ हैं, मिलिंद पन्हो, दीपवंश और महावंश, जिनमें हमें बौद्ध ग्रंथों की, बौद्ध धर्म की बहुत सी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में है संस्कृत बौद्ध ग्रंथ हैं, और ये पाली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में भी बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ लिखे हुए हैं। इनमें महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित, सौंदरानंद काव्य, दिव्यादान और मंजूश्री, मूलकल्प आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। इसके बाद में जैन धर्म ग्रंथ हैं। बौद्ध साहित्य के समान ही जैन साहित्य भी प्राचीन भारत के इतिहास जानने की महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त कराता है। इनमें परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, जैन आगम ग्रंथ और टीका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो ये जो है धर्म ग्रंथों, इतिहास जानने में इन धर्म ग्रंथों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चों, अब इसमें आपसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, त्रिपिटक कौन कौन से हैं और जैन धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं और वेद कितने हैं और महाकाव्य कौन कौन से हैं। इस प्रकार से आपके अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा के अंतर्गत। धन्यवाद।